महामहिम राष्ट्रपति के जनपद आगमन के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी जोन अखिल कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी सोनम कुमार सहित सभी राजपत्रित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राष्ट्रपति के सुरक्षा के कड़े इंतजाम के संबंध में चर्चा की गई तथा सभी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति के सुरक्षा में जीआरपी, आरपीएफ, स्थानीय अभिसूचना इकाई, एंटी सबोटाज एवं डॉग स्क्वाड की मदद ली जा रही है। जिले में लगभग 3000 पुलिस बल की ड्यूटी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगाई गई है। जिले के बॉर्डर से लगने वाले अन्य जिलों से समन्वय स्थापित कर जिले में आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों वस्तुओं की सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जनपद में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का आगमन है, जिसको देखते हुए आज सभी गजेटेड ऑफिसर्स की यहाँ सर्किट हाउस एनेक्सी में ब्रीफिंग की गई है और सभी को अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। ये हमारे एडीजी महोदय श्री अखिल कुमार जी के नेतृत्व में ये मीटिंग की गई, जिसमें कि सभी को भलीभांति ड्यूटी बुकलेट दी गई, ड्यूटी से अवगत करवाया गया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और इसके बाद अब कल फिर से एक मीटिंग रखी गई है जिसमें और आगे इस पर चर्चा की जाएगी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर, बाहर से फोर्स लगाया गया है जनपद से बाहर? जी, जनपद में कई जनपदों का फोर्स लगाया गया है। आसपास के हमारे जो जनपद हैं उनसे फोर्स आया है, ट्रैफिक पुलिस की हमारी टीम आई है, पीएससी की टीम आई है, एंटी सैबोटेज चेक, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वगैरह सभी की तैयारी की गई है और पूर्णतः चाक चौबंद रहकर ये कार्यक्रम संपन्न कराया जाएगा। बेसिकली जो हमारे राजपत्रित अधिकारी आए हैं विभिन्न पूरे स्टेट से, सबको क्या सुरक्षा व्यवस्था किस मानकों से करनी है, क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, इस संबंध में ब्रीफिंग था। ये मौके पर जाएंगे, रिहर्सल करेंगे अगले दो दिनों में और फिर से इनसे फीडबैक के आधार पर हम फिर उसमें सुधार करेंगे अगर कोई कमी है। उद्देश्य यह है कि अचूक व्यवस्था रहे और किसी प्रकार की कमी ना रहे।